जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। लोक आस्था, विश्वास व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का रंग संपूर्ण नवी मुंबई समेत तुरभे परिसर में भी विशेष तौर पर दिखाई दिया। छठ पूजा के पावन अवसर पर चार वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत तुरभे विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेवक और नवी मुंबई युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित मेड़कर के माध्यम से तुरभे इंदिरा नगर स्थित MIDC स्थित तालाब परिसर में तमाम छठ मैया के व्रतियों के लिए छठ पूजा उत्सव व अल्पाहार की व्यवस्था की गयी। बता दें कि वर्षों से इस परिसर में छठ महापर्व श्रद्धात्मक माहौल में मनाया जाता रहा है। इस साल भी वही उत्साह तमाम उत्तर भारतीय छठ मैया के व्रतियों में दिखाई दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तुरभे, हनुमान नगर, इंदिरा नगर, गणेश नगर, अम्बेडकर नगर, बोनसरी, गणपति पाड़ा व तुरभे स्टोर की छठ मैया के व्रतियों ने तालाब में आकर भगवान सूर्य को अर्घ देकर बेहद विधि विधान के साथ माता की पूजा करते और उनका आशीर्वाद लेती नजर आईं। इस दौरान तमाम माता बहनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देने पूर्व नगर सेवक अमित मेड़कर के साथ प्रभाग क्रमांक 73 के समाज सेवक अंकुश मेड़कर और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भक्ति गीत और छठ मैया की आरती से संपूर्ण परिसर भक्ति में लीन हो चुका था। इस अवसर पर अमित मेड़कर ने प्रभाग की समस्त माता बहनों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से छठ पूजा यहाँ पर इस तालाब के पास आके मनाती है। बड़ी खुशी होती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाते है। गए 4 सालों से ये परंपरा इस तरह से यहाँ पर आज चली आ रही है और आज ही उसी तरह का दृश्य यहाँ देखने मिला। हमारे सारी जो सुहागन महिला है और जितनी भी व्रती हमारी महिला है, उन्होंने अपने संतान प्राप्ति के लिए, संतान के समृद्धि के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए वो 3 दिन का जो व्रत रखती है और अपनी परिवार में खुशियां है, उन्नति है, यही प्रार्थना करती है। आज मैं आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जितने उत्तर भारतीय की जो महिलाएँ हैं और सारे जो नागरिक हैं उनको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सूर्य देवता से और छठी मैया से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी व्रती महिलाएं, इनकी जो व्रत उन्होंने रखा है उनकी व्रत उनकी कबूल हो, उनकी जो व्रत है वो आप स्वीकार करें और उनकी सारी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो। ऐसे में सूर्य देवता के चरणों में और छठी मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और फिर भी एक बार सभी उत्तर भारतीय और बिहार के सभी महिलाओं को और नागरिकों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।